नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ रिया पांडे। टेलीविजन शो शार्क टैंक इंडिया दर्शकों के बीच खूब हल्ला मचा रहा है। मचाए भी क्यों ना, आखिर इसमें आने वाले लोग ऐसी ऐसी डील्स लेकर आते हैं जिसे सुनकर शार्क कभी इमोशनल हो जाते हैं तो कभी खुद गुदगुदाने लगते हैं। लेकिन कहना पड़ेगा, शो में आने वाले हर एंटरप्रेन्योर ने अपने हिस्से का स्ट्रगल देखा है, मुश्किलों का सामना किया है। वहीं बता दें कि इस बार आए हैं तारक मेहता के जेठालाल। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की पीच के लिए जेठालाल शार्क टैंक इंडिया 2 के मंच पर आए हैं। दरअसल यह एक मीम है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जेठालाल सच में शो पर नहीं आए हैं। वहीं बताते चले कि जेठालाल अपना प्रोडक्ट हैप्पी दिवाली सुतली बम को लेकर आए हैं, जिसकी पिच सुनकर सभी शार्क अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। मीम इतना मजेदार है कि एक जगह पर शार्क अमन गुप्ता जेठालाल से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहते हैं, जिसके जवाब में जेठालाल कहते हैं कि अगर मैं अपने स्टोर की ब्रांच और खोलूंगा तो भी मेरा पेट दो ही रोटी से भरेगा, इसलिए मैं खुश हूँ। वहीं अनुपम इस पर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप काफी मुश्किल होता है, आपको इस पर काम करना चाहिए। जेठालाल के पास इसका भी सटीक जवाब रहता है। उन्होंने कहा कि चुप करना भाई, बंद करना तेरी बकवास। क्लिप काफी मजेदार है जिसे लोग बार बार रिवाइंड कर देख रहे हैं और ठहाके मार कर हंस रहे हैं। फैंस को शार्क टैंक इंडिया 2 और जेठालाल का यह मीम काफी पसंद आ रहा है। वहीं आर्टिस्ट के काम से लोग इम्प्रेस है। एक फैन ने वीडियो देखकर लिखा, जेठालाल को शार्क की कुर्सी पर होना चाहिए, अश्नीर क्रोवर का ये बेस्ट रिप्लेसमेंट है, यह तो खुद ही अपने आप में एक शार्क है। एक और फैन ने लिखा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी हमारे जेठालाल को अफोर्ड नहीं कर सकता। शार्क टैंक इंडिया 2 की बात करें तो यह शो हर किसी का फेवरेट बना हुआ है। अनुपम मित्तल, विनीता सिंह, नमिता थापर, अमन गुप्ता इसके जज कर रहे हैं। शार्क बनकर स्टार प्लस को मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार के सीजन में शार्क अश्नीर ग्रोवर शो में नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें मिस कर रहे हैं, कुछ उन पर मीम्स भी बना रहे हैं। आपको ये अपडेट कैसी लगी हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।